नमस्कार प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी रोम पहुंचे, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जैविक हथियारों के खतरे से चिंतित एनएसए डोभाल, कहा निपटने के लिए कमर कसने की जरूरत। अगले महीने कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ डोज खरीदेगा केंद्र सरकार। 20 करोड़ के बाद ही 2 करोड़ जाइकोव डी की खुराकें भी शामिल है इसमें। जल स्तर बढ़ने की चिंताओं के बीच केरल के जल संसाधन मंत्री ने मुल्ला पेरियार बांध का किया निरीक्षण। एनडीए में महिला कैंडिडेटों के शामिल होने पर बोले सेना प्रमुख, मुझे है पूरा यकीन पुरुष कैंडिडेटों की तरह करेंगी अच्छा प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस की 87 सदस्य कार्यकारिणी समिति का ऐलान, जगदीश टाइटल को भी मिली जगह। कैप्सूल से होगा कोरोना का इलाज, ट्रायल का तरीका फेज पूरा, तीसरे फेज में इमरजेंसी इस्तेमाल पर कल फैसला संभव। इजराइल के राजदूत ने पेगासस को बताया भारत का आंतरिक मुद्दा, कहा एनएसओ सिर्फ सरकारों को दे सकती है सेवा। ब्रीफ के बिना वकील, क्रिकेट मैदान पर बिना बल्ले के सचिन तेंदुलकर की तरह होता है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बयान। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला, कहा जेल में भेजने वाले आज खुद है सलाखों के पीछे। दुमका में पंचायत सचिव घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी ने जाल बिछाकर पकड़ा। WHO ने G20 देशों से मांगे पैसे, कहा नहीं मिले तो कोरोना से हो सकती है 50 लाख मौतें। प्रशांत किशोर के बीजेपी दर्शकों तक नहीं जाएगी वाले बयान पर टीएमसी का आया कमेंट, कहा ये उनका निजी बयान। लालू यादव मेरे लिए सम्मानित, बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा, तेजस्वी और नीतीश के लिए कही ये बात। गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, पणजी एयरपोर्ट के बाहर दिखाए गए काले झंडे। ललितपुर में मृत किसान के स्वजनों से मिली प्रियंका गांधी वाड्रा, खाद की लाइन में खड़े होकर किसान ने तोड़ा था दम। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने दी चेतावनी, बोले सरकार के आगे अब गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, किसानों के लिए कोर्ट जाऊंगा। बिकरू कांड के 30 गैंगस्टर आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट, जय बाजपेयी समेत 29 को न्यायालय में किया गया पेश। इटावा सफारी में पर्यटन को लगेगा पंख, आगरा से आए 100 सदस्य दल ने व्यवस्थाओं को सराहा। दीपावली का बड़ा तोहफा, यूपी के 14.82 लाख कर्मियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश।
औरैया में दीप उत्सव कार्यक्रम की हुई शुरुआत। कृषि राज्य मंत्री ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को बांटे गए मोबाइल। चंदौली में स्वच्छता ग्राहियों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे स्वच्छता ग्राही। मैनपुरी में मिनी खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। मिर्जापुर में 7 दिवसीय दिवाली मेले का हुआ आयोजन। जीआईसी मैदान पर लगा दिवाली मेला। प्रतापगढ़ में प्रतिज्ञा यात्रा लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। यात्रा में कांग्रेसी समर्थकों का उमड़ा सैलाब। रायबरेली में मामूली कहा सुनी पर हुई किसान की हत्या। धारदार हथियार से किसान को उतारा मौत के घाट। संभल में खाद न मिलने से किसान परेशान। सरकारी इफको खाद केंद्र से हो रही लापरवाही। संभल में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। आबकारी विभाग द्वारा नहीं हो रही कार्रवाई। संभल में दुकानों और गोदामों पर हुई छापेमारी। छापेमारी के दौरान अवैध पॉलिथीन जब्त। एसडीएम की छापेमारी से मचा हड़कंप। बिजनौर में दीपोत्सव मेले का हुआ शुभारंभ। परिवहन मंत्री ने किया मेले का शुभारंभ। बिजनौर में महिला की दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या। हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। त्रिपुरा में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। अलीगढ़ में दिवाली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिठाई की दुकानों पर करी छापेमारी। औरैया में 3 घरों में हुई चोरी की वारदात। लाखों के जेवर और नकदी लेकर चोर फरार। चंदौली में छात्र के मारपीट मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस थाने पहुंचा मारपीट का मामला। मैनपुरी में सम्मान के साथ हुई शहीद अजय की अंतिम विदाई। नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मैनपुरी में बसपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कैंप का हुआ आयोजन। जिला सचिव प्रभारी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। सहारनपुर में दीपोत्सव कार्यक्रम की हुई शुरुआत। भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने किया उद्घाटन। फरीदाबाद में नौकरी दिलाने के बहाने युवती को बेचा। गुरुग्राम लाया था बेचकर और मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में पटाखों की दुकान में हुई हजारों की चोरी। दुकान का शटर तोड़कर हुई चोरी। जालौन में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। शव कुएं में मिलने से इलाके में मचा हड़कंप।
लखीमपुर खीरी में कालाबाजारी पर प्रशासन का डंडा, 115 बोरी एनपीके खाद लदी ट्रक पकड़ी। मैनपुरी में महिला की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा जिला अस्पताल हुआ बदहाल, इमरजेंसी रूम में गायब दिखे डॉक्टर, तालाब में तब्दील हुआ जिला अस्पताल। मिर्जापुर में शरारत करने पर छात्र को मिली अनोखी सजा, प्रिंसिपल ने पैर पकड़कर छात्र को उल्टा लटकाया। हरिद्वार में तीन अलग अलग घटनाओं का खुलासा, पुलिस ने 1 करोड़ की लूट का किया खुलासा। कलियर में पेड़ से लटका मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की में तीन हथियारबंद बदमाशों ने युवक को लूटा, तमंचा दिखाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। पांच नवंबर को बाबा केदार के दर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनेगी निर्यात नीति, मिलेगा प्रोत्साहन। शॉर्ट सर्किट से पिथौरागढ़ में मिठाई की दुकान में आग, पास के घरों को फायर ब्रिगेड और लोगों ने बचाया। उत्तराखंड में 30 को दून में रहेंगे अमित शाह, 950 स्थानों पर होगा केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम का प्रसारण। दून में हुनर हाट, लोकल फॉर वोकल को दिया जा रहा बढ़ावा, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंचे। उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया अहम फैसला, विभिन्न विभागों में पदोन्नति में छूट पर लगी रोक हटी। उत्तराखंड बनेगा सेफ्रॉन स्टेट, शिवलिंग रेंज में कश्मीरी केसर का बढ़ा रकबा। रविवार को भी खुलेगा नगर निगम का भवन कर अनुभाग, 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे काउंटर। उत्तराखंड में 764 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति, हजारों व्यक्तियों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक और लग्जरी बसों की खरीद पर मिलेगी 20 लाख रुपए सब्सिडी, अन्य पर 33 लाख। खटीमा गैरसैंण समेत 9 नए जिले बनाएगी कांग्रेस, 2 साल में वादा निभाने का हरीश रावत का दावा। सतोपंत ट्रैक पर भारी बर्फबारी, बद्रीनाथ में शेष नेत्र झील जमी, फिर भी रोज पहुंच रहे हजारों भक्त। टीएलपी के प्रदर्शन से पाकिस्तान सरकार परेशान, मंत्री ने दी धमकी, कहा वापस जाओ नहीं तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर एक शख्स के पास हथियार मिलने से मची अफरा तफरी।
फेसबुक ने अपनी कंपनी को दिया नया नाम मेटा, नहीं बदलेगा इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप का नाम। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का दावा, सांप्रदायिक हिंसा में किसी भी मंदिर का नहीं हुआ था नुकसान। G20 देशों के नेताओं की अहम बैठक कल, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अफगान संकट पर रहेगा फोकस। प्रतिबंधित पाकिस्तान तालिबान से बात के मुद्दे पर मलाला यूसुफ जई ने कहा, संगठन को बढ़ावा ना दे सरकार। चीन का दावा, अमेरिका ने 2000 से ज्यादा बार की जासूसी, उनके कई इलाकों को किया टारगेट। उत्तर कोरिया में खाद्य संकट गहराया, कृषि क्षेत्र की विफलता से देश में खाद्य संकट, आपात स्थिति 2025 तक रहेगी जारी। बदलती अमेरिकी प्रशांत नीति के जवाब में ड्रैगन ने पानी में विस्फोट कर बंदरगाह उड़ाने का किया टेस्ट। इस्लामाबाद के करीब पहुंचे टीएलपी वर्कर्स, इमरान खान ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। शक्तिकांत दास बने रहेंगे आरबीआई के गवर्नर, सरकार ने 3 साल बढ़ाया कार्यकाल। अजीम प्रेम जी ने 9,713 करोड़ रुपए किए दान, एक दिन में 27 करोड़ डोनेट, दान देने वालों की लिस्ट में टॉप पर। केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए कर्ज सुविधा के तहत राज्यों को शेष 44,000 करोड़ रुपए दिए। रिलायंस जियो के डायरेक्टर ईशा अंबानी की बड़ी उपलब्धि, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम के बोर्ड में हुई शामिल। $500 अरब के करीब पहुंची जेफ बेजोंस और एलन मस्क की संयुक्त नेटवर्थ। आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय सेना के साथ एमओयू किया रिन्यू, जवानों को मिलेगा 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। विदेशी निवेशकों ने दिखाया दम, FY22 की पहली छमाही में निवेश वैल्यू में $112 अरब का उछाल। पोस्ट ऑफिस दे रहा पैसे डबल करने का मौका, ₹1,000 का करें निवेश, मिलेगा लाखों का फायदा। मेट्रो में अब नहीं होगा सिग्नल फेल, नई तकनीक के जरिए ट्रेनों को बेहतर तरीके से ऑपरेट करेगी TMRC। सेबी ने म्यूचुअल फंड के कर्मचारी, ट्रस्टी और बोर्ड मेंबर के लिए ट्रेडिंग के नए नियम किए जारी। पाक के खिलाफ मैच से पहले AFG स्टार राशिद खान की अपील, 2019 वर्ल्ड कप की घटना भूल जाओ। ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, पूर्व चैंपियन श्रीलंका को 7 विकेट से रौंदा। फिक्सर सिक्सर विवाद में इमरान खान से बोले हरभजन सिंह, आमिर जैसे बच्चों के लिए स्कूल खोले।
पाकिस्तानी टीम में 3 को निकला कोरोना, अब 10 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा सभी को। डेविड वार्नर ने छोड़ा सनराइजर्स हैदराबाद का साथ, ऑक्शन में उतरने का किया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ने कहा बीसीसीआई 2 नई टीमों के पैसे से महिला आईपीएल शुरू करेगा। सौरभ गांगुली विवाद बढ़ने से पहले ही आईएसएल टीम मोहन बागान के बोर्ड से हटे। दिनेश कार्तिक जुड़वा बच्चों के बने पिता, विशेष नाम ने फैंस का ध्यान खींचा, तस्वीरें भी आई सामने। पाकिस्तानी चैनल ने शोएब अख्तर और एंकर नोमान नियाज को किया बैन, पूर्व क्रिकेटर भड़के। सुनील गावस्कर ने बताया दो टीमों का नाम जो इस समय लग रही है T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, बॉलीवुड सेलेब्स भी आर्यन को जमानत मिलने से ले रहे चैन की सांस। नेपाल में परिणीति चोपड़ा ने फिल्म ऊंचाई का पहला शेड्यूल किया पूरा, मुंबई से 125 लोगों का क्रू गया था नेपाल। जॉन निपुरी की एक विलेन रिटर्न्स की शूटिंग, फिल्म को 8 जुलाई 2022 को होगी रिलीज। मंदिरा के दिवंगत पति राज की आखिरी सीरीज 3 नवंबर को होगी रिलीज, इस सीरीज का निर्माण रिफ्यूल प्रोडक्शन द्वारा किया गया है। करीना कपूर ने 8 महीने के बेटे जेह का योगा करते हुए फोटो किया शेयर, जेह की फोटो पर फैंस समेत सेलेब्स भी बरसा रहे जमकर प्यार। आर्यन खान को बेल मिलते ही शनाया कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की बचपन की तस्वीर, संजय कपूर ने सिद्धि विनायक को कहा धन्यवाद। आर्यन की बेल पर बॉलीवुड में खुशी, सोनू सूद बोले समय के न्याय पर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। शहनाज गिल ने खुद गाकर दिया सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट, इमोशनल कर देगा दिवंगत एक्टर की यादों से भरा गाना। अचीवर नाइट्स इवेंट में काजोल की ड्रेस का खूब उड़ा मजाक, लोगों ने पूछा लिफाफा पहना है या बाइक का कवर। सोनू निगम ने सीख ली भोजपुरी, पवन सिंह के साथ मिलकर छठ पर देंगे फैंस को सरप्राइज। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।